अगर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर प्रशिक्षित डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं होगी तो वहाँ मरीजों की सुरक्षा के चिकित्सक आंदोलित हैं और इतनी गंभीर घटना के बाद भी वहाँ की सरकार इस घटना पर पर्दा डालने की पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को दबाने का छिपाने का प्रयास किया, वहाँ के प्रधानाचार्य थे उनको जब वहाँ आंदोलन खड़ा हुआ तो उनको वहाँ से हटाया लेकिन दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में स्थापित कर दिया। देश में डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है और एक ही नारा गूंज रहा है कि बहन हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। कोलकाता में हुए दुर्दांत हत्याकांड और दुष्कर्म कांड की गूंज आज पूरे देश में गूंज रही। इन सब पर सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। और आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सीसीटीवी फुटेज संजय राय यानी कि मुख्य आरोपी का बताया जा रहा है। संजय राय सेमिनार हॉल में घुसता है, घटना को अंजाम देता है और गलती से उसका ब्लूटूथ छूट जाता है। इस पर बड़ी लापरवाही कोलकाता में बैठे प्रशासन की, सरकार की, जिसके लिए कहीं ना कहीं जवाब मांगा जा रहा है। इन सब विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद दिग्गज नेता अशोक वाजपेयी जी मौजूद हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसे जानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी दुस्साहसिक घटना है। अगर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर प्रशिक्षित डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं होगी तो वहाँ मरीजों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा। आज जिस तरीके से कलकत्ता की घटना हुई है पूरा देश आक्रोशित है, पूरे देश के चिकित्सक आंदोलित हैं और इतनी गंभीर घटना के बाद भी वहाँ की सरकार इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। ये तो सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण जिस तरीके से वहाँ सीबीआई को जांच सौंपी गई और साथ सीबीआई की जांच परत दर परत मामले की तह तक जाने का काम कर रही है, जिस तरह एक लाई डिटेक्टर टेस्ट तो संदीप राय का करने जा रही है, ये तमाम सारी चीजें सरकार की उदासीनता, पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को दबाने का छिपाने का प्रयास किया, वहाँ के प्रधानाचार्य जो मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य थे उनको जब वहाँ आंदोलन खड़ा हुआ तो उनको वहाँ से हटाया लेकिन दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में स्थापित कर दिया, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया गया, जबकि इस पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता स्पष्ट हो रही है। अच्छा, और उसके बाद क्या लगता है कि ममता बनर्जी के बड़े खासम खास लोग थे क्या जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के पीछे उद्देश्य क्या है, जो सरकार से या सत्ता से जुड़े लोग हैं उनकी संलिप्तता है, इसीलिए सरकार इस मामले को दबाने का लगातार प्रयास करती रही है। और वो तो सीबीआई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के चलते इस मामले को कहीं न कहीं खुलासा हो रहा है, नहीं तो सरकार ने इस मामले को सामान्यता दबाने का, क्योंकि जब उस डॉक्टर के परिवार के लोग आए उनको तक ये नहीं बताया गया कि इतनी बड़ी घटना के बारे में, उनको उससे डेड बॉडी तक नहीं देखने को दी गई कई घंटे तक, और वहाँ स्थानीय प्रशासन ने इस घटना जब घटना घटित हो गई उसकी सूचना भी पुलिस को समय से नहीं दी और न तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही एफआईआर वगैरह दर्ज कराने का काम किया। इतनी बड़ी लापरवाही तो नहीं कही जा सकती, इसके पीछे सउद्देश्य कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्ता दल आक्षेपित हो रहा था, इसलिए मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा था। अशोक जी, आखिरी सवाल, क्या मांग करते हैं? जैसे पूरा देश एक ही मांग कर रहा है, हत्यारों को फांसी दे, लेकिन आप क्या एज अ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल देख रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है पूरी घटना को कराने के लिए, क्या मांग करते हैं सर? देखिए, जो जिस तरीके की अराजकता की स्थिति आज पश्चिम बंगाल में है और इस घटना को लेकर ये पूरा देश के सामने स्थितियां स्पष्ट हुई हैं, चाहे वहां पर तो लोकतंत्र ही खतरे में है, लोगों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी भी लोकसभा के चुनाव हुए उस चुनाव में जिस तरीके अराजकता पैदा करके वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने का काम किया गया, लोगों को निष्पक्ष मतदान तक का अवसर नहीं मिला, ऐसे में वहां पर कोई भी कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है जब तक वहां पर सरकार है, तो इस सरकार को ही जब तक विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तब तक वहां पर इस तरीके का दमन और उत्पीड़न, बहनों की असुरक्षा समाप्त नहीं होगी। मतलब इस्तीफा देना चाहिए सरकार को? निश्चित रूप से सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अशोक वाजपेयी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीख तो गूंज रही है लेकिन दोषी जिम्मेदार सरकार आखिर कुछ कर क्यों नहीं पाई और आखिर नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, परिवार को सूचना गलत क्यों दी गई,
तमाम मांगों को लेकर लगातार आवाज देश के हर कोने से गूंज रही है। आए दिन हम आपको दिखाते ही हैं कि किस तरह से डॉक्टर बिटिया की इंसाफ की मांग को लेकर जगह जगह पर आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आएगी और अपनी भी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।